और फिर हमें लगा कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो बहुत उच्च कोटि के संत हमारे समक्ष विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस मनोज को देखता हूँ तो मुझे इसके दादाजी याद आते हैं, तो मेरे जीवन का इससे बड़ा उपहार शायद कोई दे नहीं पाए, ये स्वामी जी के प्रति मेरी कृतज्ञता है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि आज सत्संग नहीं करेंगे, आज से बात करेंगे, सत्संग के लिए पुनः आएंगे, विषय लेंगे उसी विषय पे चल जो मेरी आदत है, क्योंकि मैं आज तक कभी पढ़कर और लिखकर कभी मैंने कुछ नहीं बोला, स्पॉन्टेनियसली उसी समय विषय पकड़ेंगे और उसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना मान जाना, इसको मेरी भाव समझ लो, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, इल्तिजा समझ लो, प्रार्थना समझ लो। जैसे आज भी ये गलती हो गई, देखो तो भाव में हो जाता है, जब आदमी अति उत्साह में होता है ना तो जयकारा लगा देता है, स्वामी माधवानंद सत्यजी महाराज की जय, कभी नहीं, ना केवल मेरे जीते जी, जब कभी मैं प्राण भी त्याग दूं इस नाम का जयकारा कभी भी मत लगाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जयकारा लगेगा सिर्फ और सिर्फ श्री नंगली निवासी भगवान जी का, सत्यार्थी जी महाराज जी, पहली रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट, कभी भी मेरा कोई भी चित्र आप पूजा के स्थल पर नहीं रखेंगे, ये बात मैं आज के परिपेक्ष में नहीं कह रहा, हो सकता है 10 साल के बाद 15 साल के बाद आप इस तरह करने लग जाओ, कभी भी मत करना, मैं कभी भी इस बात को पसंद नहीं करूंगा, ना कोई जयकारा लगाएगा, ना कभी कोई चित्र पूजा के स्थल पर रखा जाएगा। मेरे जितने भी वृद्ध आदर जो गुरु प्रेमी हैं और जो 12, 13, 14 वर्ष तक की कन्याएं हैं, आप कभी भी कृपया मेरे चरणों को हाथ ना लगाएं। अव्वल तो मेरा ये निवेदन है सभी से ही कि माता जी हमारे बीच में विराजमान है, आप सब उन्हीं के चरण छुआ करें, मेरे को आप सिर्फ हाथ जोड़कर भी अभिवादन करेंगे वो भी स्वीकार्य है, ये पैर छुआना मेरे को उचित नहीं लगता है ना। एक ये पैर छुआना, ये जयकारा लगाना, ये चित्र रखना, इस तरह का कोई भी कार्य आप मेरे साथ ना करें तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ, ना मेरे में कोई ताकत है, ना मेरे में कोई क्षमता है, किसी भूत लेके में मत रहना, करण करावण आपो आप, मानस के कुछ ना ही हाथ, वो सब करने वाली शक्ति भी वही है, करवाने वाली शक्ति भी वही है, उन्होंने ये सेवा इस शरीर से लेनी है, तो मेरी बुद्धि को उन्होंने कैसे घुमाया, ये ताकत भी उन्हीं की है, सिर्फ और सिर्फ उनके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज जी जे निभाइए तो फिर तोड़ ही निभाना, तोड़ निभाना, क्योंकि हुण इज्जत बेइज्जती इस फकीर दी नहीं है, सब तुहाडा है, जो करोगे अज भी अगे भी सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव, वो भी आपके द्वारा ही उत्पन्न किया जाएगा। कभी जीवन में मेरे मन में कोई अहंकार की उत्पत्ति ना लाए, कभी मेरे जीवन में प्रभु अपनी सेवा से विमुख ना करें, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए गति, पुनः पुनः बार बार जीवन लेने की इच्छा है, बार बार श्री चरणों की सेवा करने की इच्छा है, बार बार सद्गुरुदेव भगवान अपना आशीर्वाद भरा हाथ इस सर पर रखे, इससे अच्छी और कोई मनोकामना हो ही नहीं सकती एक गुरु प्रेमी के लिए। तो
आदेश भाई मेरी तो बुद्धि ऐसी है, सीधी सीधी बात है, मैं तो फक्कड़ किस्म का व्यक्ति हूँ और ऐसे ही कहना चाहता हूँ, ऐसे ही बनना भी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता किस किसने स्वरूप दर्शन पढ़ा आज तक, मेरा ख्याल हजारों बार स्वरूप दर्शन जी का पाठ हो गया होगा अलग अलग संस्थाओं में, सब संस्थाओं में, पर गुरु महाराज जी के आदेश को कितना किसने समझा मुझे उस विषय में नहीं जाना। मेरी समझ में तो यही आया कि गुरु केवल एक जिसका रूप पर दिल है और वो है हमारे श्री नगरी निवासी भगवान की, जैसे उनकी श्री मुख से उनकी आज्ञा हुई, उनके पश्चात जितने हमारे रहबर होते हैं, स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज जी, सार प्रभु जी, निजातम प्रभु जी, अभिदानंद जी, अजूनानंद जी, इस प्रकार अनेकों अनेक हमारे महापुरुष है ना, वो हमारे सब आदरणीय सम्माननीय हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमने उस दर का रास्ता देखा है ना। और इन सभी महापुरुषों ने सदा और सदा ये कहा कि सर्वप्रथम पहले जाके गुरु महाराज जी को माथा टेको, उसके बाद मेरे पास आकर। जब मैंने ये बात सत्यार्थी जी महाराज जी के मुख से तो अनेकों अनेक बार सुनी, रवि जी के यहाँ जाता हूँ मैंने अनेक बार सुना के सार जी महाराज जी कहते थे पहले वड्डे मंत्र मत्था टेक आयो, जे नहीं टेके तो अत्थे टेकन की कोई लोड़ नहीं, पहले जाओ। मैंने बाबा जी को देखा हमेशा अंदर बाबा बैठा ना, जा उन्होंने अर्जी लगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चल मैं तेरा काम कर रहे हैं ना, बाबा ही हो गए। तो ये हमारे को आदेश है, इसको घुट्टी की तरह पी लो। ये जब जब हम ये सोचेंगे तो हम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, विनाश की। मेरा मन करता है कि कभी संतों की महफिल लगी हो तो मैं कंवर ग्रेवाल का भजन गा दूं, पर ऐसा ना हो कि सारी नंगली डंडा लेके मेरे पीछे पीछे भाग पड़े। तेरे नाम की महिमा भी रोजगार का धंधा है, बड़ा खोरू पाया है के कुट तबले हथा ने, ओ जिन्ना नू तू दिसदा है ओ कोई हो री अखा ने, हो री अखा ने ओ बापा हो री अखा ने। शोरूम खोल लिए लोगों ने, जिसकी छोटी कुटिया उसकी छोटी दुकान, जिसकी बड़ी कुटिया उसका बड़ा शोरूम, जिसकी उससे बड़ी उसका मॉल। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये कोई खरीदने बेचने का सौदा है? अरे नारायण की भक्ति करोगे, लक्ष्मी तो दौड़ती दौड़ती पीछे आती है। सत्यार्थी जी महाराज जी ने राजयोग मंदिर की चौखट पर पत्थर लगवाया था और उस पर लिखवाया था माया। सबने कहा कि महाराज जी ये क्यों कह रहे हैं कि जो गुरु महाराज जी का भक्त भी आएगा ना, ये माया उसके चरणों की दासी है। मैंने पुनर्निर्माण में पुनः उस पत्थर को वापस वहीं पहुंचा दिया। ऐसे महापुरुषों के हम बच्चे किन चक्करों में पड़ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, एको ब्रह्म। मुझे पता, मैंने कहा एको ब्रह्म, रवि जी के दिमाग में एकदम आया द्वितीय नास्ति, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको अपनी लाइन बोलने की आदत होती है, बदल दी आज लाइन मैंने, एको ब्रह्म बाकी सब ब्रह्म, ब्रह्म में नहीं पढ़ना। जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसकी उपासना करते हो, जिस ईष्ट के आगे सर नास्तिक झुकाते हो, एक के हो जाना, एक के। कुत्ता जे दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर हो, एक दर्दा जे बढ़ रहे तो काहे दूर दूर। कुत्ता भी अगर अपने मालिक का होता है ना तो सब उसको प्यार करते हैं, और दर दर घूमता तो दूर दूर ही होती है। तो एक तो ना ये अनेकों अनेक संस्थाओं के मैसेज डालने बंद कर दो ग्रुप में,
भाई मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं पहले बता रहा हूँ पहले, पर अभी कहा कि मैंने क्रोध करना बंद कर दिया, इसलिए मैं आपको ग्रुप में कोई मैसेज नहीं देता। अरे अब कुछ कमी है, किसके बच्चे हो? शहंशाह त्रिलोकी नाथ बोलते हैं उनके साथ क्या? सीजन सब सब सीजनल होता है मामला, समझ जाओ मेरी बात को। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, माँ प्यो भी तुम्हारे हथे जुड़े हो जी, तुम भी हथे जुड़े हो, बच्चे भी घूम फिर के जाना होते मेरा बापे से कोई नहीं, वो करेगा भी वही वही। बाकी मैं भी पिछले 20 साल में बहुत देखा, सीजन आता 3-4 साल का, कभी किसी का सीजन आ गया, कभी किसी का सीजन आ गया, जो बार बार बदल जाए वो मौसम तो हो सकता है पर इंसान नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलो 8:30 बजे मुझे श्री नंगली साहिब पहुंचना है ना, मनोज जी के संस्था के सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, कल सुबह गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है वहां पर, और बजरंग दल के प्रांत के जो प्रमुख हैं वो सभी लोग वहां पर होंगे, और विश्व हिंदू परिषद के भी होंगे, और हमारे स्थान पर गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम हो रहा है संघ का, और मुझे पहुंचना अनिवार्य है। तो मेरी जो मैंने बातें कही याद रहेगी या भूल गई? आज के बाद जयकारा ना सुनूंगा, ये रिक्वेस्ट है, आपका प्रेम है पर मेरा दिल दुखेगा ना, है क्या हम उस लायक हैं क्या? क्या बात कर रहे हो, ये उनकी कृपा है, नजरे इनायत है जो उन्होंने इस लायक बना दिया, उनकी कृपा है, है? किसी बंदे में कोई ऐसी दम है कि वो उनकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे? कर ही नहीं सकता, कर लो कोशिश। हाँ जिस दिन उन्होंने सेवा लेनी होगी ना, चुटकी में आपको उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं लगने देंगे, एक मिनट में। कोई शोक नहीं होगा, कोई संताप नहीं होगा, कोई दुख की भावना महसूस नहीं होगी, राजी खुशी नचते कूदते हो जाओगे। तो ये सब और सब उसकी कृपा से होता है, और उसकी रजा में अपनी राजी मिला दोगे तो सुख ही सुख है। मेरी समझ में इसके अलावा और कोई परिभाषा इस संसार में व्याप्त नहीं है। पुनः जब मासिक सत्संग पे आएंगे फिर ज्ञान चर्चा भी करेंगे, योग चर्चा भी करेंगे, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था अगस्त के माह में जरा तिथि निश्चित कर लूं, हम 3 दिन का योग शिविर हरिद्वार में माता जी के सानिध्य में लगाएंगे। पतंजलि योग सूत्र के 8 अंगों में जो योगा है शारीरिक व्यायाम वाला वो एक अंग है, हम योग शिविर लगा रहे हैं, परंतु उसमें योगा का भी 1 घंटे का जो आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा वो माननीय आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी के द्वारा आपको करवाया जाएगा। और योग का 1 क्लास में तो ये हमारे गुरु होंगे, और बाकी की कक्षा में हम सब मिलकर सद्भावना से विचार विमर्श करेंगे, तो उसमें हम बहुत अनेकों रूप करेंगे, उसमें प्रश्नोत्तर काल भी करेंगे और अपने अपने आध्यात्मिक संशयों का निवारण भी करेंगे। मैं जरा वो कुछ ऐसा मेरा गुजरात से वापसी का हो जाए, तरीके निश्चित हो जाए, तो फिर 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में किसी भी समय, तब तक कावड़ भी समाप्त हो चुकी होगी और सावन का भी सब मामला समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि सावन के माह में हरिद्वार आना समझ लो कि बहुत हाँ मेहनत का कार्य है, तो उसके पश्चात हम ये कार्यक्रम रखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो 3 दिन से बढ़ा लेंगे, क्योंकि वैसे मेरा विचार ये था कि 3 दिन में योग शिविर लगता नहीं है, इतने में वो आनंद नहीं आता, आनंद तो 5 दिन में आता है ना, क्योंकि पहले दिन तो आदमी आके सेटल ही होता है। तो हम इसको प्रयास करते हैं जैसे माता जी का समय होगा, और इसमें हम बहुत इस बार बिल्कुल अलग आयाम से करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस सेवा कार्य में मैं ये तो कहूँगा ही नहीं कि आप सबका सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप सबका सहयोग मुझे निरंतर निरंतर मिल रहा है, और आशा के
अनुरूप भी नहीं कह पाऊंगा, उससे भी कई गुना मिल रहा है, चाहे वो श्री गुरु महाराज जी की स्वामी केशवानंद जी महाराज जी की समाधि निर्माण रहा हो, चाहे उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात इस संस्था का एक भी भंडारा ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो, और सब उसी रूप में उसी संख्या बल से हुए। इतने अल्प काल में श्री राजयोग मंदिर का पुनर्निर्माण, सौंदर्यकरण जिसका बजट 1 करोड़ से भी ऊपर गया वो हुआ, समाधि निर्माण हुआ, हरिद्वार के आश्रम का सारा पेंट वगैरह सब कार्य हुए, अनेकों अनेक जो ये कार्य हुए वो आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं थे। तो आपका सहयोग मुझे तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से हर समय मिलता है। मैं ये कह के कि उसका आभार है, आपकी सेवा को छोटा नहीं करना चाहता। गुरु महाराज जी आपको बल बख्शे, आपको सक्षम करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और आप गुरु घर की इसी प्रकार सेवा करते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।